मैं डॉक्टर अनुराग भाई, सीनियर कंसल्टेंट शाफ्ट सेंटर, आज आपको मोतियाबिंद और कोरोना वायरस रिलेशन में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा। जैसे लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोतियाबिंद का कोरोना वायरस से कोई संबंध है, तो नहीं, मोतियाबिंद और कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद कोरोना वायरस के पेशेंट में हो सकता है। मोतियाबिंद एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है जो कि एज के साथ या किसी उम्र के लोगों को भी हो सकता है, उसका कोरोना वायरस से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, मोतियाबिंद और कोरोना वायरस में कोई संबंध नहीं है। मोतियाबिंद एक अलग परेशानी है जो किसी को कभी भी हो सकता है। कोरोना वायरस से ऐसा कोई इंटररिलेशन नहीं पाया गया है। देखिए, मोतियाबिंद सर्जरी बाद में करवाने से आपकी दृष्टि पे विपरीत प्रभाव इसी कंडीशन में पड़ सकता है कि अगर आपका मोतियाबिंद ज्यादा पक रहा है, उसके लिए आप अपना एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या आपको कितना दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपना रोजमर्रा के काम कर सकते हैं चश्मा लगा के, तो बेहतर है कि आप उसको कुछ टाइम तक रोक सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस टाइम जब कोरोना वायरस चारों तरफ से विश्व में फैला हुआ है, तो हर मरीज जिसको बहुत जरूरी हो वही अस्पताल में आए, बाकी लोग ना आए। और लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे देखने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आप आके सर्जरी करवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। नहीं, कोरोना वायरस आपके मोतियाबिंद इलाज को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। अगर आप करवाना चाहते हैं मोतियाबिंद की सर्जरी, तो आप करवा सकते हैं। लेकिन जो भी लोग आज की तारीख में मोतियाबिंद की सर्जरी करवाना आना चाहते हैं, चूंकि एक रूटीन सर्जरी है, तो हम चाह रहे हैं कि पेशेंट अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवा के आए। जिनको बहुत जरूरी हो वही कोरोना वायरस का टेस्ट करा के अपना मोतियाबिंद की सर्जरी करवा सकते हैं, नहीं तो उसको कुछ टाइम तक हम टाल भी सकते हैं। देखिए, आंखों का ख्याल रखने के लिए अगर जो बात आती है कोविड-19 के दौरान जिनको मोतियाबिंद है, उनके लिए ये है कि जनरल प्रिकॉशन जो कि हम लोग बताते हैं कि आप लोग हरी सब्जियां खा सकते हैं, अपनी बॉडी इम्यूनिटी को हेल्थी रखने के लिए बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, तो हम प्रॉपर लाइट में देखेंगे ताकि हमारी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। आजकल हमारा ये मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का यूजेज भी बढ़ रहा है, जिससे आंखों पे स्ट्रेन रहता है। तो हम लोगों को थोड़ा ब्रेक लेके काम करना चाहिए, आंखों को पानी की छींटे मारते रहने चाहिए। वीकेंड्स आते हैं, टीयर सब्स्टिट्यूट जिनको हम कहते हैं, वो ऑफ ऑन यूज करते रहना चाहिए। बाकी ऐसा कोई खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी और एकदम से लॉकडाउन लग गया है, और उनको कोरोना वायरस के दौरान जांच के लिए आना था, तो लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर मरीज को रूटीन चेकअप के लिए बार बार आने की जरूरत है। नॉर्मली क्या होता था कि हम लोग आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर पे बुलाते थे, लेकिन अगर आपको सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, तो आप फोन पे ही कंसल्टेशन ले सकते हैं। फोन पे ही पूछ सकते हैं क्या क्या प्रिकॉशन आपको फॉलो करने हैं, किस तरह से दवाइयां डालनी है। अगर जरूरत लगता है, कोई तकलीफ होती है आंखों में, जैसे लाली आ जा रही है या धुंधलापन आ जा रहा है या देखने में दिक्कत आ रही है, तो ही आप अस्पताल में आइए। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जिस तरीके से आपको ट्रीटमेंट दे रखा है उस तरीके से ट्रीटमेंट फॉलो करते रहें, और हमारी वेबसाइट पे या हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे विजिट करके उनसे अपनी क्वेरीज पूछ के अपने आंसर्स लेके डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।